हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिमाचल वायर। शुक्रवार का दिन है, एक और बुक रिव्यू का। इस बार मैंने किताब पढ़ी है आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, राहुल पंडिता ने लिखी है। इस किताब को पढ़कर आप कश्मीरी पंडितों का दर्द महसूस करेंगे। अपने ही घर में जब रिफ्यूजी बनना पड़ता है उस वक्त क्या आपकी मनोस्थिति होती है, क्या आप महसूस करते हैं, उस वक्त आप कितने पराए हो जाते हैं, ये किताब महसूस करवाएगी आपको। इस किताब के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। पहली बात, विधु विनोद चोपड़ा इस पर शिकारा मूवी बना रहे हैं, आपने ट्रेलर्स देखे होंगे उसके, फरवरी में आ रही है। दूसरी बात, राहुल पंडित जिन्होंने ये किताब लिखी है वो एक कश्मीरी पंडित हैं और ये किताब उनकी पहली किताब नहीं है, वो और भी किताबें लिख चुके हैं। कहानी के बारे में बाद में बात करूंगी, पहले इस किताब के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये राहुल पंडिता की पहली किताब नहीं है, इसलिए मुझे इसकी सीक्वेंसिंग थोड़ी वीक लगी। ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं राहुल को कुछ ग्रेस मार्क्स दे दूंगी, क्योंकि ये उनकी इमोशनल जर्नी है और जब इमोशंस ओवरपावर करते हैं तो सीक्वेंसिंग अगर हल्की इधर उधर हो जाए तो चलता है। पर क्योंकि बुक रिव्यू कर रही हूँ ये बताना जरूरी है। जैसे वो अपनी कहानी बता रहे हैं या कई जगहों पे उन्होंने अपने मामा की कहानी बताई है, किसी और की कहानी बताई है, वो कहानी बताते हुए बीच में राहुल को कुछ और याद आता है। वो राहुल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी यादों से जुड़ा हुआ है, उनकी मेमोरीज बनी है ये। लेकिन जब हम लोग उस कहानी को पढ़ रहे हैं, उस कहानी से जुड़ गए हैं, एनग्रॉस्ड हैं, उसमें कुछ हो रहा है जो बहुत दर्दनाक है, उसमें हम अगली ही लाइन में कहीं और जाते हैं, पांच छह लाइन किसी और ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, फिर दिमाग पे जोर डालते हैं कि अच्छा ओ हाँ, फिर दोबारा पहले जिस कहानी के बारे में पढ़ रहे थे उस पे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है, तो सीक्वेंसिंग कहीं थोड़ा वीक है। देखिए अब इस किताब की कहानी के बारे में कि वो अच्छी है या नहीं है ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि ये किसी का दर्द है, किसी ने अपना जख्म आपके सामने खोल कर रख दिया है। अब या तो आप उस जख्म का दर्द महसूस कर सकते हैं या अपनी आंखें फेर सकते हैं। मैंने उस जख्म का दर्द महसूस किया। शुरुआत में इस किताब में राहुल बताते हैं कि कश्मीर में जब ये टेररिज्म नहीं था उससे पहले लोग सोचा करते थे कि दिल्ली, बैंगलोर या जो बड़े शहर है वहाँ पे कितनी चीटिंग है, बड़ी इनोसेंस से वहाँ की कहानियाँ सुना करते थे। इस किताब में राहुल एक इंसिडेंट शेयर करते हैं जो टेररिज्म से पहले का है। उस वक्त कश्मीर इनोसेंट था, लोग खुश थे और अपनी दुनिया में ही रहना चाहते थे, पर दिल्ली, बैंगलोर, पंजाब इन सारी जगहों के बारे में सुनते थे। वो लिखते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए कश्मीर में उस वक्त जब टेररिज्म नहीं था तो जो नॉन कश्मीरी था वो ज्यादातर पंजाबी ही माना जाता था, क्योंकि पंजाब से लोगों का आना कश्मीर में ज्यादा था। पहले भी डोगराज ने कश्मीर पे राज किया तो उनके लिए ज्यादातर जो नॉन कश्मीरी वो पंजाबी। राहुल बताते हैं कि एक बार उनके घर में चोरी हुई, बाहर उनके पिता की चप्पल रखी थी, वो चोरी हो गई। लेकिन इसमें खास तौर पे वो चोर की ईमानदारी का जिक्र करते हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर उनके पिता की एक नई चप्पल और पुरानी चप्पल की जोड़ी थी। जो चोर है वो पुरानी चप्पल की जोड़ी लेके गया और नई चप्पल की जोड़ी छोड़ दी। लेकिन उस वक्त भी कश्मीर जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था, वहां पे कश्मीरी पंडित होना थोड़ा अनकंफर्टेबल तो था ही। जैसे उनका दूध वाला जो हर रोज आता था, राहुल उस वक्त बहुत छोटे थे, उसका ये कहना कि आप और कंस्ट्रक्शन क्यों करवा रहे हो अपने घर में, आज नहीं तो कल आपको यहाँ से जाना ही है, राहुल को बहुत गुस्सा दिलाता था। इंडिया पाकिस्तान के मैच में जब इंडिया हारती थी तो पूरे कश्मीर में पटाखे जलते थे, वो ये याद करते हैं, उन्हें बहुत दुख होता था। अपने मामा के बेटे रवि के साथ राहुल का बहुत प्यार था, उनकी माँ का बहुत ज्यादा प्यार था। जब पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरी लड़कों को जिहादी बनाने का सिलसिला शुरू किया तो कश्मीर की वादी को नजर लग गई। हर जिहादी को ये लगता था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाएंगे,
इसलिए एक एक कश्मीरी पंडित के घर को चुन चुन के जलाया गया। राहुल का घर उसमें से एक था। बहुत सारे लोग श्रीनगर से जम्मू रिफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे थे। एक दिन राहुल के पिता ने भी ये डिसीजन लिया कि अपने परिवार के साथ मुझे भी रिफ्यूजी कैंप चले जाना चाहिए। खैर वो कैंप तो नहीं गए, उन्होंने कमरा किराए पे लिया। जो भी कश्मीरी पंडित उस वक्त कश्मीर से निकला, वो ये सोचकर नहीं निकला था कि वो अपने घर कभी वापस नहीं आएगा। शायद 20 दिन, शायद 2 महीने, लेकिन ये किसी को नहीं लगा था कि 20-20 साल हो जाएंगे किराए के छोटे छोटे कमरों में बस मुट्ठी भर सामान सजोए हुए। इस किताब में कहीं पर भी किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पॉलिटिकल हेल्प मिली ये बात नहीं कही गई है। इनफैक्ट एक दो किस्से राहुल ने नाम के साथ बयान किए हैं, जिसमें से एक है कि जब उन्हें और उनके परिवार को श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट होना पड़ता है, एक धर्मशाला में वो रह रहे हैं, एक ही हॉल में बहुत सारे परिवार हैं, राहुल छोटे हैं, तो बाहर ग्राउंड में वो खाकी निकर और सफेद कमीज वाले कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। उनमें से एक आदमी राहुल को बुलाता है और उनसे पूछता है, अपना घर छोड़कर आना पड़ा तुम्हें, क्या गुस्सा नहीं हो? राहुल कहते हैं गुस्सा है। वो बार बार दोहराने के लिए कहता है कितना गुस्सा हो, तो आवाज ऊंची 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 और ऊंची होती जाती है कि बहुत गुस्सा है। तो वो पूछता है कि नपुंसक की तरह चुप बैठे रहना है या बदला लेना है? राहुल कहते हैं बदला लेना है। ये बात जब वो अपने पिता को जाकर बताते हैं तो उनके पिता उनको अच्छे से वही समझा देते हैं कि दोबारा उन लोगों से तुम नहीं मिलोगे। शायद वो उस वक्त राहुल को समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस बात के लिए राहुल इस किताब में बहुत बाद में, जब गुजरात रॉयट्स हुए और उनके पिता ने वो खबर अखबार में पढ़ी, तब राहुल ने उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद किया कि आपने बहुत बड़ी गलती होने से बचा लिया। इस किताब में आप ये पढ़ेंगे कि हादसे कुछ वक्त के लिए होते हैं, लेकिन उन हादसों का असर जेनरेशंस तक रहता है। आज भी कश्मीरी पंडित्स की जो जेनरेशंस है वो इस दर्द को महसूस करती हैं, और कहीं उन्हें ये भी लगता है कि जो हमारा दर्द है और जिस तरह कोई बात हमें दुख देती है, उसे शायद कोई और समझ ही नहीं पाएगा। जैसे इस किताब में एक जगह राहुल ने बताया कि रवि, उनका बड़ा भाई, उनके मामा का बेटा जो उनका हीरो था और उनकी माँ का बहुत लाडला, उसे जब टेररिस्ट गोली मार देते हैं तो राहुल क्या महसूस करता है? वो भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, सोचता है कि शायद वो उसे गले लगाएगी, उसका दर्द महसूस करेगी, बट कोई खास रिएक्शन नहीं आता। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है, शेव करते हुए वो भी इसे खुदा की मर्जी बोलकर बात खत्म कर देता है। राहुल का वो दर्द अपने भाई को खो देने का उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड समझ नहीं पाती। छोटी छोटी बातें बताई है उन्होंने इसमें कि जब बड़े बड़े भरे हुए घरों को छोड़कर कश्मीरी पंडित कैंप्स में आकर रहने लगे, छोटे छोटे कमरों में आके रहने लगे, बहुत थोड़ी सी चीजें थी उनके पास, कमरों में हवा नहीं आती थी, तो कोई याद करता था कि 48 खिड़कियों वाला मकान था उनका, कोई याद करता था कि 20 कमरों वाला मकान था उनका, किसी को अपने तोश और पश्मीना के शॉल याद आते थे, कोई अपनी गाय जो पीछे छोड़ आया था उसे याद करके दुखी होता था। इस हादसे ने बहुत सारे लोगों को जहनी तौर पर कमजोर कर दिया था। इस किताब में आप ये जानेंगे कि कश्मीरी पंडित्स ने सिर्फ 1989 से ही ये नहीं सहा है, बहुत पहले भी अफगानी आए थे, तब राहुल के मामा बहुत छोटे थे। उनकी कहानी भी इस किताब में लिखी है। उन्होंने इस कहानी में बताया है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर उस वक्त भी मारा गया था, लूटा गया था, उस वक्त भी उनके घर बर्बाद हुए थे, तिनके से दोबारा जिंदगियां शुरू हुई थी। कश्मीर वापस जाने के बारे में भी कुछ बातें इसमें कही गई है। जैसे जहां पे भी पॉसिबिलिटी थी कि गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना था, वो हिंदुओं के घर और उनकी जमीन को एक्वायर कर लिया गया। जो उनके घर थे वो जला दिए गए थे। उन जले और टूटे घरों में मुस्लिम आके रहने लगे। इस किताब के लेखक एक बार वापस गए अपने घर श्रीनगर में। घर का आंगन तकरीबन वैसा ही था, अंदर भी बहुत चीजें वैसी ही थी, लेकिन रह कोई और रहा था। जब इन्होंने बताया कि बहुत पहले ये मेरा घर हुआ करता था, मैं यहाँ पे रहता था, तो उन्हें अंदर आने दिया, चाय पिलाई,
अपने माता पिता की यादों के लिए उस घर की कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने ली, लेकिन ये उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि वो वापस आने के लिए नहीं आए हैं, ना तो किसी भी तरह से हक जताने। आप ये देखेंगे और समझेंगे कि जब हम दुखी होते हैं तो वो दिन, वो पल, वो यादें किस तरह हमारे साथ जुड़ जाती हैं। बचपन की हर एक खुशी, हर एक रिश्ता याद है राहुल को। कौन कैसा था, उसे क्या पसंद था, त्योहारों पे वो क्या किया करते थे, किसी ने उनके लिए क्या किया और उन्होंने किसी के लिए क्या किया। ये किताब एक दर्द का रिश्ता है, नॉन फिक्शन है। राहुल पंडिता और उनके परिवार की कहानी है, कश्मीरी पंडितों की कहानी है, उनकी हकीकत है। 399 रुपीस की किताब है, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप ज़रूर पढ़िए इस किताब को। हिमाचल वाया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स और स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।